नमस्कार दोस्तों, ये हमारा थर्मोमीटर है लिक्विड का टेम्परेचर चेक करने के लिए। ये दो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ॉन से। हाइड्रोमीटर है दो तरीके के, एक अल्कोहल मीटर है, दूसरा ग्रेविटी मीटर है। इसकी पैकिंग देख ले सकते हैं आप, अंदर काफ़ी कॉटन वगैरह लगा के इसे पैक किया गया था। काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई थी, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है ये ग्लास, बहुत ही पतला ग्लास से बना होता है और ये काफ़ी नाजुक सी चीज़ है, थोड़ा सा भी अगर लगेगा तो ये टूट सकता है। ये रहा मेरा अल्कोहल मीटर, इसमें आप मेजर कर सकते हैं 0 to 100% तक का अल्कोहल इजीली। आप जब भी वाइन अब बना के फर्मेंटेशन रेडी होगा तभी आप चेक कर सकते हैं उसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल रेडी हो गया, या जब भी आप डिस्टिलेशन करेंगे तब आपको काम आएगा कि कितना परसेंटेज आपका अल्कोहल बन के रेडी हुआ है। दूसरा ये हमारा हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर आपका ग्रेविटी चेक करने के लिए होता है। जब हम सब्जियां और पानी और शुगर ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करेंगे तो हमें इसे चेक करना पड़ता है कि कितनी ग्रेविटी रखेंगे तो हमारी वाइन काफ़ी अच्छी बनेगी। दूसरा ये हमारा ग्लास जार है। मैंने एक ग्लास का सिलेंडर लिया है, प्लास्टिक का भी आता है, काफ़ी सस्ता रहता है, लेकिन उसमें क्लियरली विजिबल नहीं होता। जो हम हाइड्रोमीटर या कुछ भी डालते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, और ये डूबना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा बड़ा लें, मैंने 250 ml का लिया है और ये इनफ है इसके लिए। इसके बाद हमें लगता है जिसमें हम फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, हमें एक ग्लास का जार लगता है। ये मैंने 5 लीटर का मार्केट से एक ग्लास का जार लिया है, एयर टाइट लिया है। जब भी आप ले तो चेक कर ले कि ये एयर टाइट होनी चाहिए पूरी तरह से, नहीं तो ऑक्सीजन जाएगी तो आपकी वाइन कड़वी हो सकती है। उसे घुमा के देख सकते हैं एयर टाइट है या नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें बनाने के लिए वाइन यूज़ में आने वाली है। इस चैनल पे अगर आप वाइन और देसी दारू और विस्की वोडका के शौकीन हैं तो आगे हमें और भी वीडियो लेके आएंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक